वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आलू मटके चाट की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ही चटपटा और टेस्टी होता है। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए मैंने इमली को थोड़ा भिगो के रखा था और उसका मैंने जूस निकाल के रख लिया है। थोड़ा सा मटर उबला हुआ या चना ले लीजिए, कचालू मसाला, थोड़ा धनिया पत्ती कटे हुए, सादा नमक, काला नमक और थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ। मैंने 3 आलू लिया है, आप अपने रिक्वायर के हिसाब से ले सकते हैं। ये मीडियम साइज के आलू हैं और ये अच्छी तरह से उबला हुआ है लेकिन ओवर कुक नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आलू ओवर कुक नहीं होना चाहिए। छोटे आलू हैं, बहुत छोटे हैं साइज में तो और अच्छे हैं, आप उनको एक साबुत ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह से बड़े हैं तो इनको बीच में से काट लीजिए और इनको स्कूप कर लीजिए। इनके जो बीच का पल्प है उसको निकाल लेंगे हम इस तरह से। आलू टूटना नहीं चाहिए, थोड़ा ध्यान से सावधानी पूर्वक स्कूप कर लीजिए। आप चम्मच से भी स्कूप कर सकते हैं, बहुत आसानी से स्कूप हो जाएगा। और इस तरह से मैंने सारे आलूओं को स्कूप करके इस मटकी बना ली है। और जो आलू बचे हुए हैं, जो निकला हुआ है, आप इसको करी में इस्तेमाल कर सकते हैं, टिक्की वगैरह बना सकते हैं। अभी जो मटकी है आलू की, इसमें पहले मैंने कचालू मसाला डाला है थोड़ा सा, थोड़ा काला नमक और थोड़ा सादा नमक डाल लेंगे। इसमें उबले हुए मटर 4-5 दाने, या काबी चना उबला हुआ है या काला चना उसको ले लीजिए। एक बड़ा चम्मच मैंने इमली का जूस डाला है, मैंने इमली के जूस में कुछ भी मिलाया नहीं है। प्याज और धनिया पत्ती से सजा लीजिए। अब दूसरा तरीका है, इससे भी आसान, आप इमली के जूस को ले लीजिए और उसमें एक बड़ा चम्मच कचालू मसाला डाल लीजिए और काला नमक 1/2 छोटा चम्मच और 1/4 छोटा चम्मच सादा नमक ले लीजिए। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और लीजिए, बहुत ही अच्छा कचालू का मसाला तैयार हो गया। अब इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 1 बड़ा चम्मच आलू में डालें और इस तरीके से बहुत ही आसानी से और फटाफट तैयार हो जाता है। इसमें मटर के दाने डाल लें, कटे हुए प्याज डाल लें और धनिया पत्ती कटी हुई डाल लें। लीजिए, आपका तैयार हो गया मटकी आलू चाट। ये बहुत ही चटपटा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, आप जब भी चाहें इसको बना सकते हैं, बहुत ही कम सामग्री में ये तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों, जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मैं जब भी नई रेसिपी का वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या पिंटरेस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं।